तो ये लीजिए दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं दोस्तों। तो हर दिन यही मन करता है कि कुछ ना कुछ चटपटा खाते रहे, लेकिन इस गर्मी में बनाने में इतना ज़्यादा जोर आता है कि पूछिए मत, किचन में जाने का मन ही नहीं करता इस गर्मी के अंदर। लेकिन क्या करें, फिर भी मन है तो मानता ही नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि आज कुछ आसान सी रेसिपी बनाते हैं जो पल भर में तैयार हो जाएगी और खाने में भी टेस्टी लगेगी और देखने में भी शानदार है। तो आज हमने ये रेसिपी कैसे बनाई, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें लेना है दोस्तों एक कच्चा आलू। तो आलू को उबालना नहीं है आपको, बस कच्चा आलू ही आपको यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा आलू धो के अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर डाल देते हैं आलू। और यहाँ पे हमें ले रही हूँ 1 कप सूजी। तो आज हम ये सूजी और आलू से बनाएंगे ये नाश्ता। तो यहाँ पे मैं 1 कप सूजी डाल देती हूँ और 1 कप डालेंगे हम यहाँ पर आटा, जो हम रोटी बनाते हैं ना उसी आटे का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो आटा भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। और अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है, एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले, आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जाऊँगी और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक से मसाले डालेंगे हम। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हो तो यहाँ पे आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें अजवाइन, और एक चुटकी हम डाल रहे हैं इसमें हींग, और आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे इसमें मैगी मसाला। अगर आपके पास हो तो डालिएगा, वरना इसकी जगह आप यहाँ पे इसमें गरम मसाला या चाट मसाला कोई भी मसाला यहाँ पे डाल सकते हो। और आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार डाल देते हैं दोस्तों। तो कोई भी मसाला यहाँ पे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हो। और एक चुटकी हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी पाउडर, ताकि इसमें थोड़ा कलर अच्छा आए। और ये सभी मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा थोड़ा गाढ़ा है, इसमें हम पानी और डालेंगे, क्योंकि सूजी हमने इसमें डाली है तो सूजी क्या पानी को अब्जॉर्ब करती है, इसलिए इसमें पानी थोड़ा सा और हम डाल देते हैं। और इसको साइड में हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको ढक के रख दिया है। और ये देखिए, तो यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अगर आप यहाँ पर प्याज लहसुन अदरक जो भी डालना चाहिए वो इसमें यहाँ पे आप डाल सकते हो। और अगर आपके पास हरा धनिया हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो, मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 चम्मच तेल। तेल को गर्म होने के बाद यहाँ पे हमने डाल दिया है सरसों के दाने, और आधा चम्मच हमने डाल दिया इसमें जीरा। तो जो हमने घोल बना के रखा है वो घोल इसके अंदर डाल देते हैं। इसके डालने के बाद इसको धीमी आंच पे आपको इसको पकाना है दोस्तों, गैस की आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, बिल्कुल धीमी आंच पे आपको इसको पकाना है। और सिर्फ़ 1 से 2 मिनट में ही ये गाढ़ा होने लग जाएगा घोल। यहाँ पे देखिए आपको इसको ऐसे हिलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये नाश्ता इतना अच्छा लगता है खाने में कि बस पूछिए मत। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये नाश्ता। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने सिर्फ़ 1 से 2 मिनट ही इसको पकाया है और ये गाढ़ा हो गया है, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, गैस की आंच को हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने 2 मिनट छोड़ दिया था तो थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक टिफ़िन बॉक्स, जो बच्चों का लंच बॉक्स होता है ना उसी के अंदर आज हम ये जब इसको सेट करके रखेंगे। अगर आपके पास और ट्रे हो तो उसमें भी आप रख सकते हो, लेकिन मेरे पास यही है तो मैं इसी के अंदर इसको सेट करके रखूँगी। तो इसमें मैंने पहले थोड़ा सा घी लगा दिया है ताकि ये चिपकेगा ही नहीं, जब हम इसको निकालेंगे बाहर तो आसानी से निकल जाएगा। तो सारा बैटर हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से सेट कर देंगे पूरे
ये देखिए पूरे लंच बॉक्स में इसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसको रखेंगे हम 15 से 20 मिनट इसको सेट होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने 15 से 20 मिनट इसको सेट होने के लिए रख दिया है। अगर आपको इसको और भी जल्दी सेट करना हो तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा, ये तुरंत सेट हो जाएगा। तो इसको मैंने साइड से चक्कू से इसके कॉर्नर उठा लिए हैं ताकि ये आसानी से निकल जाए। ये देखिए आसानी से ये निकल गया है, बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो जिस भी आपको जैसे भी आपको इसके पीस पसंद हो उसी हिसाब से आप यहाँ पे उनके पीस कट कर सकते हो, छोटे बड़े गोल कैसे भी चौकोर जैसे भी आपका मन हो वैसे ही इसको आप काट सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बीच में से एक कट लगा दिया है और यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से छोटे छोटे चौकोर पीस काट लिए हैं। ये देखिए अच्छे से ये सेट हो गया ना बिल्कुल, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने गैस पे तेल रख दिया है, कढ़ाई के अंदर इसको अच्छे से गर्म होने देंगे और जो हमने ये पीस काट के रखे हैं ये पीस इसके अंदर डाल देते हैं एक एक करके और इसको दोनों साइड से सारे पीसेस को अच्छे से हम फ्राई करेंगे। अगर आपको यहाँ पे बिना तेल का खाना हो तो इसको यहाँ पे इस जगह पे आप इसको स्टीम करके भी डायरेक्ट खा सकते हो, और अगर आपको तेल में फ्राई करके खाना है, इसको क्रिस्पी करके खाना हो तो उसको तेल में फ्राई करिएगा, ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसको अलट पलट करके दोनों साइड से अच्छे से सेकेंगे ताकि ये बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। यहाँ पे देखिए एक साइड से कितना अच्छा कलर आ गया है, तो दूसरी साइड से भी हम सेक लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पीसेस को पलट दिया है, देखिए दोनों साइड से अच्छे से सीख गए। इसको सीखने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं, वो भी धीमी आंच पे। आपको गैस की आंच को तेज नहीं रखना है वरना ये बाहर से तो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आपको इनको बिल्कुल धीमी आंच पे ही सेकना है दोस्तों। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। और पूरा हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।